हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस जिनके ग्राफ भी हम लोगों ने देख लिए थे। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, ठीक है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, और बहुत सारे फंक्शन हमारे हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अलग टाइप के और फंक्शंस जो है हमारे आगे आके देखो हमारे साथ। तो क्या दे रखा है आप लोगों को? मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है आपका? अब ये एक मॉडुलस फंक्शन हो गया आपका और एक ये सिग्नम फंक्शन हो गया। तो मॉडुलस फंक्शन को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब यही होता है कि आप इसमें जो भी वैल्यू, ये एक फंक्शन होता है आर टू आर डिफाइंड बाय, तो ये वाई इज इक्वल टू, ये मोड का सिंबल होता है आपका, तो ये मोड का सिंबल हो गया। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव। तो मतलब अगर आपसे कोई बोलता है तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है ये, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसी चीज को अच्छे से हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो ऑलवेज पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑलवेज पॉजिटिव में देखो आप मेरे साथ, तो जैसे वाई इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स, ये दे रखा है आप लोगों को। तो ये जो डिफाइंड होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है कि अगर मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ रखी, देखो ऑलवेज पॉजिटिव है इसका मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैंने एक्स की कोई वैल्यू रखी, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मैंने कुछ भी रखी, जैसे जीरो से बड़ी रखी या जीरो भी रखी, तो पॉजिटिव होगा। तो अगर मैंने इसमें जीरो से बड़ा और जीरो के इक्वल कोई वैल्यू रखी, तो वो पहले से ही पॉजिटिव है, और हमारा इसका आंसर पॉजिटिव निकल के आना चाहिए, इसलिए इसको मैं प्लस एक्स लिख दूंगा पहले से, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू जीरो से छोटी रखी, जैसे कि जीरो से छोटी, जैसे मैंने इसमें रख दी -1, अब मेरे को इसको पॉजिटिव रहना है, तो मैं इसी फंक्शन को इसके आगे एक पहले से एक माइनस लगा के रख दूंगा, ताकि आप लोग इसको पॉजिटिव डिस्कस कर सको। तो मतलब ये पहले से एक माइनस आगे रहेगा इसके, ताकि अपने आप में +1 हो जाए। मतलब यहाँ पर आप चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और वो ऐसा कुछ डिफाइंड होगा, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ जीरो से बड़े पर ये वाई इज इक्वल्स टू, ये वाई मान लो या एफ एक्स मान लो, जो आपको समझना है, ठीक है ना। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं इसमें मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ पर आप लोग वाई मानो या एफ एक्स मानो, वाई इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन है कब? जब आप जीरो से बड़े पर हो, और वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन है जब आप जीरो से छोटे हो। तो ये दोनों ग्राफ आपके सामने यहाँ पर डिस्कस होगा। तो हम लोग देखते हैं, जरा समझते हैं इस चीज को, देखो, ठीक है। अब देखो अगर जीरो से बड़ा है, वैसे वाई इक्वल्स टू, मैं पहले एक्स का ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। ये वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, और वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ है, ये लो, ये आपका वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ है। अब ढंग से देखो इस चीज को, वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कब डिफाइन हो रहा है? जब जीरो से बड़ी वैल्यू है आपकी, जितनी भी वैल्यू है सारी जीरो से बड़ी होगी, तब आपका ये फंक्शन होगा। तो मतलब जीरो से छोटे पर इस फंक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ऐसे सिमिलरली, तो ये वाई इक्वल्स टू क्या है आपका? एक्स प्लस का एक्स, ठीक है ना। और ये क्या है आपके सामने? अब इसकी बात करूँ तो जीरो से छोटे पर आपका माइनस एक्स डिफाइन हो रहा है, तो ये जीरो से बड़े पर है सारा, तो जीरो से छोटे तक हमने वो ले लिया, ठीक है। तो अब इसको ढंग से देखोगे आप लोग, तो ये वाई इक्वल्स टू आपका क्या है? माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स आपके सामने यहाँ पर मैंने ले लिया। चलो अब इसी चीज को आगे देखते हैं हम लोग, समझो मेरे साथ। तो ये चीज आपके सामने मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब सुनो, तो मतलब जीरो से बड़े पर और इक्वल टू पर, जीरो से बड़े पर और इक्वल टू पर ये फंक्शन है, और जीरो से छोटे पर और लेस सॉरी जीरो से छोटे पर आपका ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये वी शेप बनता है, जहां पर ये जीरो होता है वहां से ये वी शेप बन जाता है, तो ये आपका एक्चुअल ग्राफ होता है। तो अगर आपसे इससे कोई डोमेन पूछता है आपसे, तो डोमेन में तो आप सभी कुछ पुट कर सकते हो, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ठीक है। और रेंज में आप लोग क्या पुट कर सकते हो? तो भाई रेंज में आप लोग, रेंज में आपके पास आंसर क्या आएगा? सिर्फ पॉजिटिव, नीचे के आंसर तो आएंगे ही नहीं कभी भी। वाई एक्सिस हमारी रेंज होती है, तो एक्स एक्सिस हमारी डोमेन होती है, तो वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो यहां वाई एक्सिस सिर्फ ऊपर के नंबर आएंगे, तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव आएगा ही नहीं यहां पर, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा, और कोडोमेन तो हमारा आर टू आर था, तो रियल नंबर ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहां पर आ जाएगी। अब आगे देखो मेरे साथ, अगला जो आपका है, मतलब इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा सा और समझ में आ जाए आप लोगों को। तो अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाई इज इक्वल्स टू आपको मोड एक्स माइनस टू दे रखा है। अब इसको डिफाइन करना है हम लोगों को, तो सबसे पहले ये चेक कर लो आप कि ये टर्म जीरो कब हो रही है। तो ये टर्म जीरो एक्स माइनस टू जीरो कब होगा आपका? दो पर। तो अब ये दो से छोटे पर है, चलो दोबारा पूरा प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं हम लोग कि भाई ये जो वैल्यू है जीरो से बड़ी और इक्वल होगी,
तो ये पॉजिटिव आएगा, और यही वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो ये नेगेटिव आएगा। तो जैसा हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, और इसी को सही से लिख दूं अगर मैं, तो x इज ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2, और इसको ढंग से लिखोगे तो x इज लेस देन 2, ऐसे आप लिख सकते हो इस चीज को। तो ये आपके सामने आपके रिलेशन आ गया। तो अभी यहां पर ये कब टूट रहा है आपका, 2 पर टूट रहा है, तो वी शेप बनेगा आपका 2 पर, 1 2, ये 2 है, 2 से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। इसको आप देखोगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 है आपका, और ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और चीज देखो, अब यहाँ पर एक और ग्राफ ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू, डोमेन और रेंज सेम ही रहेगा, ऑल रियल नंबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं, और रेंज हमारा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, को डोमेन भी वही रहेगा जो है। ठीक है, अब एक और मैं ले लेता हूँ, जैसे आपके सामने 2x प्लस 2, ठीक है ना, ये ले लेते हैं, प्लस 2 ही रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जीरो कब हो रहा है वो चीज़ चेक कर लो आप लोग। तो सेम डेफिनेशन तो वही है, क्या डेफिनेशन है, ये टर्म जीरो से बड़ा और इक्वल है तो ये पॉजिटिव, और ये टर्म जीरो से छोटा है तो ये टर्म नेगेटिव। अब ये देख लो, इसको इधर उधर ले जाओगे तो इसको सॉल्व करोगे तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1 आ जाएगा, और x इज लेस देन माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 1 पर टूट रहा है, तो इस केस में आप यहाँ माइनस 1 से इसको ग्राफ को जनरेट कर लो, ये माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू प्लस का 2x प्लस 2, और ये y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 2, ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। डोमेन नेम सेम है हर टाइम पे जैसी होती है। ठीक है, चलो, हाँ, तो थोड़े से और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं मॉडुलस फंक्शन के, आ जाओ जरा मेरे साथ। तो देखो जरा क्या दे रखा है आप लोगों को जैसे समझो, आप लोगों को दे रखा है वाई इजिकल टू माइनस का मोड एक्स। अब इसी चीज को सेम भाई, जो मोड एक्स था आपका उसी का, उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके हिसाब से देखो इस चीज को क्या लेगो, कैसे लोगे आप लोग। तो देखो मेरे साथ, तो वाई इज इक्वल्स टू मोड एक्स है, तो इसी को जैसे मोड एक्स का आप लोग ग्राफ बनाते थे सेम वैसा ही है, नीचे से ही बन जाएगा बस, क्योंकि माइनस मोड एक्स है तो ये नीचे से बन जाएगा, ऊपर से नहीं जाएगा। तो अब इसमें डोमेन रेंज कैसे डिफाइन करोगे, तो डोमेन तो आपकी वही है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, पर रेंज आप अगर इसमें डिफाइन करोगे तो वो नेगेटिव रियल नंबर आ जाएगा। समझ रहे हो ना इस चीज को, कि ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, जैसे प्लस का था उसी का नीचे शिफ्ट हो गया। बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको डिफाइन करके देख लो भाई। मेरे को इतना क्लियर है कि एक्स जीरो से बड़ा है और इक्वल है, तो ये टर्म जीरो से बड़ी होगी मतलब पॉजिटिव होगी, पर उसके आगे माइनस है तो माइनस एक्स हो जाएगा। सेम जीरो से छोटा है तो ये टर्म नेगेटिव होगी, और उसके आगे माइनस है तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो जीरो से छोटे पर तो प्लस एक्स वाला ग्राफ, जो कि ये वाला था, जीरो से छोटे पर बड़े पर नहीं आया, छोटे पर आया, और जीरो से बड़े पर माइनस एक्स, माइनस एक्स वाला ग्राफ है तो ये इधर वाला आ गया। तो ऐसे आपका ये डिफाइन हो जाएगा रेंज और कोडो में। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, वाई इज इक्वल टू, समझते रहना यहाँ पर, मोड एक्स प्लस में 3 दे रखा है। तो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे समझोगे आप लोग, तो आप सिर्फ मोड एक्स को देखो इसमें, या सिंपली आप सिंपली भी डिफाइन कर सकते हो, देख लो आपके सामने कि अगर एक्स जीरो से बड़ा और इक्वल है तो ये प्लस का एक्स प्लस 3 होगा, और अगर जीरो से छोटा है और इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल नहीं सॉरी, जीरो से छोटा है तो ये माइनस एक्स प्लस 3 होगा। तो इसी चीज का ग्राफ बनाओगे तो सिंपली बस इतना याद रखो, सिंपल बता रहा हूँ आप लोगों को, इसका वही बॉक्स बना के आप ग्राफ बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर मैं सिंपली बताऊं इस चीज को, तो ऐसे समझो y इक्वल्स टू मोड एक्स का ग्राफ आपका ऐसा बनता है, ठीक है ना, और उसके ऊपर प्लस 3 हो रहा है, ठीक है ना, प्लस 3 किस में हो रहा है, y में हो रहा है, ये पूरा y था और उसी में प्लस 3 हो रहा है, तो इसको आप ऊपर प्लस 3 शिफ्ट कर दो तो ये आपका ग्राफ होता है। ठीक है, सॉरी, ये सही एक्चुअल ग्राफ है, तो ये आपका इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, जिसमें ये आपका हो जाएगा प्लस 3 और ये माइनस वाला, ये आपका ये वाला ग्राफ होगा, एक्चुअल ग्राफ आपका ये होगा इसका। ठीक है ना, एक ग्राफ आपको मैं और देता हूँ, चलो आप लोग ट्राई करना पॉज करके वीडियो को, ठीक है ना। तो y इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है जैसे 2x माइनस 1 का मोड प्लस में 3। अब इसको आप समझोगे
तो आप पॉज करके कर लेना इसको, एक बार पॉज कर लो वीडियो को और इसको करके देखो आप, ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। अब इसका आंसर समझेंगे तो कैसे समझेंगे, सेम चीज, ये टर्म जीरो कब हो रही है आपकी, वो चीज आप देखोगे यहाँ पर, ये टर्म आपकी जीरो कब हो रही है, तो ये 1/2 पर जीरो हो रही है, तो 1/2 पर ये आपका वी शेप बन जाएगा। तो जरा पहले रफ फिगर बनाऊंगा मैं आपके सामने इसकी, ठीक है, तो रफ फिगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर इसकी, तो देखो मेरे साथ y इज इक्वल्स टू, सॉरी y नहीं, सीधे ग्राफ बना रहा हूँ मैं इसका, तो देखो ग्राफ बनाऊंगा मैं इसका, तो रफ फिगर ऐसा कुछ बनेगा, y इज इक्वल टू मोड x, यहाँ ये 1/2 पर है, तो यहाँ 1/2 मान लेता हूँ मैं, 1/2 पर ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ऐसे मैंने कर दिया इसको डॉटेड, ठीक है। अब इस चीज को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, प्लस 3 कर देता हूँ, तो ये ऊपर 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 मान लो, तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां से ये शेप बनेगी, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला पार्ट क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा मैं खोल के यहाँ लिख देता हूँ, तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, 2x-1 + 3, तो आपका इसको ढंग से मैं थोड़ा सा तोड़ के लिख देता हूँ, कैसे लिखूंगा, प्लस का 2x-1 + 3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 ये वाला, और 2x-1 - 3 व्हेन एक्स इज लेस देन 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 पर जीरो हो रहा था ये वाला टर्म, तो इसी को मैंने यहाँ लिख दिया नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये वाला जो ये वाली लाइन जो होगी, 1 से बड़े पर आपकी ये वाली हो जाएगी, और 1 से छोटे पर आपका ये हो जाएगा, जैसे मतलब ये होएगा आपका माइनस का 2x-1 + 3, और ये आपका हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू -2x-1 + 3, सॉरी ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, माइनस है ये प्लस का ये माइनस का, तो ऐसे आपको ये कर लेना क्वेश्चन, तो ऐसे आपके ग्राफ बनेंगे, ठीक है, देख लो आप इसको।